मुंह से भोजन किया 10%, नाक दो नासिका है इससे श्वास ली 20%। अब शरीर में और भी कुछ होगा जहाँ से उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को मैं टैप कर सकूं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए हम हेल्पलेस हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ 3% डीएनए एक्टिव है, 97% इज़ अ जंक डीएनए, क्योंकि एनर्जी ही इतनी पैदा कर रहे हैं। जब 30% एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो उतना ही शरीर की क्षमता होगी। अगर 100% एनर्जी को हम यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी को टैप कर लेंगे तो हमारे अंदर शक्ति भी उतनी हो जाएगी, 100% पावर हो जाएगी। इसका ज्ञान होना चाहिए हाउ टू टैप दैट एनर्जी। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन जो है प्रोसेस, जो मुझे बताया गया, बड़ा आश्चर्यजनक था कि जो हम शौच आदि से जो निवृत्त होते हैं उससे जो शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, देर आर ओनली 10% ऑफ इट, 100% नहीं, शौच से 10%। और मूत्र विसर्जन से 20%, मल और मूत्र 30%, बाकी 70% कहाँ से निकला, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। इसलिए वो टॉक्सिन्स भीतर ही रह जाते हैं और मलमूत्र विसर्जन भी ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए वो टॉक्सिन्स शरीर में रह करके कोई लंग्स की बीमारी में बाहर निकलता है, कोई पेट की बीमारी में निकलता है। बाहर तो निकलना ही है, शरीर बाहर फेंकेगा, अगर हम उसको रास्ता नहीं देंगे तो कहीं और से, तो त्वचा के रास्ते, अंगों के रास्ते उसको बाहर फेंकना है। डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब व्हेन यू आर लिविंग ऑन संजीवनी तो आप अमृत का पान भी कर रहे हैं 100%, और ये शिव योग की जो क्रियाएं हैं जो मैं आपसे करवा रहा हूँ, इसमें 100% उस टॉक्सिन्स का विसर्जन भी आप कर रहे हैं, रिसीविंग एंड थ्रोइंग, तो पिछला जो बैकलॉग है वो भी सारा क्लियर हो जाता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल टू बिकम 100% हेल्दी।